स्वागत है साथियों आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस शक्तिमान द जर्नी ऑफ एम्बिशंस में। दोस्तों हम लोगों ने अधिकतर जो सिलेबस था हमारा मिशन सीटेट का इंग्लिश जो लैंग्वेज टू हमारी इंग्लिश ग्रामर थी उसको हमने लगभग कंप्लीट कर ही लिया है। और आज जो हमारा ये लास्ट लेक्चर है आज का, क्योंकि एग्ज़ाम आज है तारीख 7 और कल आपका एग्ज़ाम है, तो आज इस जो हमारा ये वीडियो है, ये वीडियो है पूरे फुल रिविज़न पर। इस वीडियो में आपको टेंस और वर्ब और कंजक्शन जो तीन इम्पॉर्टेंट सेक्शन हैं पूरे आपके इस एग्ज़ाम के, वो इम्पॉर्टेंट रोल आपके निभाने वाले हैं। तो इनका हम रिवीजन करने वाले हैं बहुत ही फास्ट तरीके से, और जिससे आपका ये पूरा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग अच्छे से जाकर एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो दिस इज़ द लास्ट वीडियो, तो आप एग्ज़ाम देने जाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख के जाएँ। तो हम लोग आज के सेशन में स्टार्ट करने वाले हैं क्विक रिवीजन ऑफ टेंस वर्ब एंड कंजक्शन। तो सबसे पहले जैसे हमें इसमें पढ़ना है वर्ब, तो वर्ब को पढ़ने से पहले स्पेशली जो वर्ब होती हैं कई प्रकार की वर्ब होती हैं, मॉडल वर्ब होती हैं, एक्जिलरी वर्ब होती हैं, तो हमें उनके टाइप से लेना देना नहीं है। हम जब वर्ब पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें वर्ब को पढ़ना पड़ेगा टेंस से स्टार्ट करना है, क्योंकि टेंस में जो वर्ब्स होती हैं, जैसे कि हमारे जितने भी टेंस होते हैं सब टेंसेस की अपनी अपनी वर्ब्स होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, तो उन वर्ब्स को हमें समझना है किस तरीके से वो इस्तेमाल होनी है। तो वर्ब को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे टेंस, और टेंस में ही हमारा वर्ब कवर हो जाएगा, और लास्ट में हम लोग पढ़ लेंगे कंजक्शन। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। सबसे पहला हुआ टेंस। टेंस हमारे तीन प्रकार के होते हैं, आप जानते होंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब इनके कितने होते हैं, इनके चार चार पार्ट होते हैं, जैसे कि आपको दिए गए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और यहाँ पे दिया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये चार प्रकार के टेंस एक के हो गए हमारे डिवाइड, यानी कि प्रेजेंट के ये कितने हो गए, चार हो गए, इसी प्रकार के पास्ट के चार होंगे, फ्यूचर के चार हो गए, तो टोटल मिला करके हमारे टेंस कितने हो जाएंगे, 12 टेंस हो जाएंगे। अब हम पार्टिकुलर, अब एग्ज़ाम में एरर्स आप जो आपकी आएंगी तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस पोजीशन में किस सेंटेंस में लगनी है, तो बढ़ रहे हैं हम लोग इसी को आगे देखने के। सबसे पहले हम बढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ओर। जो हमारा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो आप इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। और यह ध्यान रखना, ये जो डू और डज है हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, ये केवल नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा इसका इस्तेमाल एफर्मेटिव में नहीं होता है। एफर्मेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस या ई एस आता है सिंगुलर के साथ, और प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही अकेले का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसको आइडेंटिफिकेशन, जब आपके सामने क्वेश्चन होगा तो आप कैसे ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और हमें यहाँ पे वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की यूज करनी है। तो ध्यान रखिए, जब भी आपको ये एडवर्ब किसी सेंटेंस में देखने को मिल जाए, ऑलवेज, एवर, नेवर, समटाइम्स, फ्रिक्वेंटली, ऑफन, सेल्डम, जनरली, रेयरली और ओकेशनली, ऐसे बहुत सारे और भी एडवर्ब्स होते हैं, ये एडवर्ब्स आपको जब भी देखने को मिल जाए तो आपको तुरंत माइंड में अटैक करना चाहिए कि सेंटेंस किसका है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो आपको जब भी ये एडवर्ब मिलेंगे आपको प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में बनाना है। तो जो और कोई भी सेंटेंस हो उसका जो जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे कि प्रेजेंट डेफिनिट टेंस की बात करें तो सब्जेक्ट पहले, सबसे पहले क्या आता है अफर्मेटिव में, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और यदि सब्जेक्ट आपका ये जो देख रहे हैं ना, ये सब्जेक्ट, ये यदि आपका सब्जेक्ट यदि आपका सिंगुलर हुआ तो हम किसका इस्तेमाल कर देते हैं, एस व ई एस का इस्तेमाल कर देते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, और इसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है, अदर बढ़ाता है। हम एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे लिखा है ही नेवर टेल्स ए लाई, तो ही आप ये देखें, ही क्या है, एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ और यहाँ पे आप लगा हुआ है नेवर। मैंने अभी यार आपको कुछ ऊपर एडवर्स बताए हैं, उनमें एक ये नेवर भी एडवर्स आता है जो एक आइडेंटिफिकेशन का काम कर रहा है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम जो हमारा रूल है बिल्कुल यहाँ पे काम करेगा, और यहाँ पे ही जो कि सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, जिसके कारण हमने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इस्तेमाल किया है, तो ये सेंटेंस हमारा कैसा हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। तो आपको जब भी ये टेंस मिलेगा तो इन आइडेंटिफिकेशन एडवर्ब्स को फोकस रखना है कि जब भी ये मिलेंगे तो आपको प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का रूल अप्लाई करना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले टेंस की ओर। अगला जो एग्जांपल है हमारा, तान्या ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट इन हिज क्लास। यहाँ पर भी आप जो देख पा रहे हैं तान्या, ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, वो भी कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और यहाँ पे जो एडवर्ब इस्तेमाल हुआ है ऑलवेज, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि दिस सेंटेंस इज अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसीलिए हमने यहाँ पे जो वर्ब इस्तेमाल की है स्टैंड, उसके साथ एस का इस्तेमाल किया है, एस या ई एस का इस्तेमाल करते हैं, वो डिटेल जरूर पढ़ाएंगे आपको तब समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल में आपको इस टाइम में, लास्ट टाइम में आपको क्या करना है, इस इन एडवर्ब्स को फोकस करके आपको टिक करना है आंसर। तो यहाँ पर आपको क्या करेगा,
करेगा, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को आइडेंटिफाई करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ऑलवेज लगा हुआ है. क्या लगा हुआ है? ऑलवेज लगा हुआ है. ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले सेंटेंस के, अगले टेंस की ओर. दूसरा जो हमारा टेंस है, पास्ट इनडेफिनिट टेंस. क्या है? पास्ट इनडेफिनिट टेंस. अब पास्ट इनडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, इसका भी इस्तेमाल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में किया जाता है, क्योंकि एफर्मेटिव सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है. लेकिन दिक्कत तो यहाँ पे आती है कि हम कैसे पहचानेंगे कि जो सेंटेंस हम लिख रहे हैं, जिसका हम आंसर टिक कर रहे हैं, कि ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस का है. तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे कुछ हम आइडेंटिफिकेशन एडवर्ब्स दे रहे हैं. जब भी आपको ये एडवर्ब्स देखने को मिल जाए किसी सेंटेंस में, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट टेंस को क्वालिफाई करेगा और उसी के रूल्स इसमें अप्लाई होंगे. जैसे कि यहाँ पे कुछ एडवर्ब आप देख पा रहे होंगे, एस्टरडे, द डे बिफोर, द लास्ट, और इसके बाद कोई टर्म दे दिया जाएगा. पास्ट, इसके बाद भी कोई टर्म दिया जा सकता है. इट इज़ टाइम, इसके साथ ये आ जाए. इट इज़ हाई टाइम बिफोर, और इसके बाद कोई टर्म दे दें आपको, और टाइम प्लस एगो दे दें. तो ये भी जब भी आपको एडवर्ब किसी सेंटेंस में देखने को मिलते हैं, तो वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस को क्वालिफाई करेगा और उसी के रूल्स उसमें अप्लाई होंगे. एग्जाम्पल देखते हैं. इट इज़ हाई टाइम व्हेन आई स्टडीड इन दिस इंस्टीट्यूट. तो यहाँ पे आपने देखा क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका इट इज़ हाई टाइम. क्या लिखा हुआ है? इट इज़ हाई टाइम. तो अभी मैंने ऊपर आपको एडवर्ब बताए कुछ ये, तो इट इज़ हाई टाइम यहाँ पे एडवर्ब आपका मैच कर रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ हाई टाइम. तो इस एडवर्ब के मैच कर जाने से हमको ये कन्फर्म हो गया कि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट बनेगा. इसीलिए पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है. तो स्टडी की सेकेंड फॉर्म क्या होगी, यहाँ पे स्टडीड होगी, तो जिसके कारण से ये सेंटेंस हमारा कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. बात आपको यहाँ तक क्लियर हुई? दो सेंटेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल आएंगे, क्योंकि यदि एक भी क्वेश्चन आता है तो आपका मार्क्स इंक्रीज और डिक्रीज करने का वही रिजल्ट आ जाए, वही डिक्रीज कर सकता है. तो ध्यान से देखिएगा इन एडवर्ब्स को, आपको केवल एक लास्ट टाइम ये देख के जाना है. ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले टेंस की ओर. अगला जो हमारा टेंस है तीसरे नंबर का, वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है क्या होती है? विल और शैल होती है. अब इस्तेमाल ये देखना है कि शैल का इस्तेमाल किस किन सब्जेक्ट के साथ होता है, विल का इस्तेमाल किन सब्जेक्ट के साथ होता है. तो स्पेशली ध्यान रखिए कि शैल का इस्तेमाल आई और बी के साथ किया जाता है. किसके साथ? आई और बी के साथ. ये आप देख पा रहे हैं आई और बी के साथ. और जो विल का है, इसका इस्तेमाल बचे हुए इनको छोड़कर, जितने भी सब्जेक्ट कोई भी हो जाए, ही, सी, इट, दे, नेम, यू, बी, कुछ भी आ जाए, तो उनके साथ हमें किसका इस्तेमाल करना है, हमें इस्तेमाल करना है विल का. ठीक है, अब हम लोग इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को क्वालिफाई करेगा. तो आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ एडवर्ब्स होते हैं, जैसे कि और पिछले में भी थे. जैसे कि लिखा जाए आपको टुमारो, नेक्स्ट, और उसके साथ कोई टाइम दे दिया जाए. फॉलोइंग, इसके साथ भी कोई टाइम दे दिया जाए. कमिंग, और इसके साथ भी कुछ टाइम दे दिया. और इन फ्यूचर, ऐसे आपको कुछ फ्यूचर आइडेंटिफिकेशन वाले कुछ आपको एडवर्ब मिल सकते हैं, जो आपको ये अंदाज़ा लगा देंगे कि ये जो सेंटेंस है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के रूल को क्वालिफाई करेगा. ठीक है, और यहाँ पे हम इसको एग्जांपल से समझते हैं. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ही विल लीव दिस सिटी नेक्स्ट मंथ, कि वह इस शहर को अगले महीने छोड़ देगा. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ हमारा, नेक्स्ट मंथ लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट मंथ. जब ये नेक्स्ट मंथ लिखा हुआ है, और यहाँ पे हमको तुरंत पता चलेगा कि ये टेंस प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट का है. और इसीलिए हमने ही और ही मैंने बताया था कि सेल में आई और बी को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट आएंगे उसके साथ हम बिल सेल का बिल का इस्तेमाल करेंगे. तो ही भी उन्हीं और सब्जेक्ट में से एक है, इसीलिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे बिल का इस्तेमाल कर रहे हैं. और ये सेंटेंस प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट को क्वालिफाई कर रहा है, जिस कारण से ये सेंटेंस हमारा कैसा हो जाता है, करेक्ट हो जाता है. अब हम बात करते हैं चौथे नंबर के सेंटेंस. चौथा नंबर का जो हमारा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस. और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है इज, एम, आर. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इस्तेमाल करते हैं इज का, और आई के साथ हम इस्तेमाल करते हैं एम का, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं आर का. लेकिन अब हम कैसे पहचानेंगे कि इस सेंटेंस में हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के रूल्स को अप्लाई करेंगे? तो ध्यान रखना, जब भी ये कंटीन्यूअस वाले कोई भी सेंटेंस होते हैं, तो उनमें हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का इस्तेमाल करते हैं. तो ये तो एक नॉर्मल आइडेंटिफिकेशन हो गया. लेकिन स्पेशली जब आपको वो टेंस वहाँ पे घुमा फिरा के दिए जाएंगे, तो आपको देखना है एक एडवर्ब स्टिल. यदि आपको किसी सेंटेंस में गलती से भी कहीं पर आपको ये स्टिल जो आप देख पा रहे हैं, स्टिल ये कहीं भी आपको देखने को मिल जाता है, तो तुरंत समझ जाना कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के रूल्स को क्वालिफाई करेगा. तो जिसको हम देखते हैं एग्जाम्पल की ओर से. जैसे लिखा है, माई यंगर ब्रदर इज स्टिल स्टडिंग इन दिस इंस्टीट्यूट. मेरा जो छोटा भाई है वो इस इंस्टीट्यूट में स्टडी कर रहा है. स्टिल, लेकिन आपको फोकस पे से करना है, फोकस करना है इस स्टिल पर. जब भी आपको ये स्टिल दिख गया ना, तो तुरंत समझ जाइए कि ये क्या करेगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को रूल्स को क्वालिफाई करेगा. तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है, माई यंगर ब्रदर. और माई यंगर ब्रदर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, जिसके कारण से यहाँ पे जो
आपकी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, वो भी सिंगुलर आनी चाहिए, और सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज आया है, बिल्कुल करेक्ट आया है। अब स्टडी कर रहा है और स्टडी के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टडी ही होती है, लेकिन उसके साथ हम आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं तो स्टडिंग हो जाएगा, और इन दिस स्टूडेंट हमारा आगे अदर वर्ड में बिल्कुल सही है। तो ये सारे रूल्स क्वालिफाई करने के बावजूद हम ये कह सकते हैं कि ये सेंटेंस बिल्कुल हमारा करेक्ट बना हुआ है। तो आपको फोकस किस पे करना है, एडवर्ब स्टिल पे फोकस करना है, तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। बढ़ते हैं हम लोग आगे, पांच फिफ्थ नंबर का जो हमारा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, वाज और वर होती है। तो ध्यान रखना जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं और साथ में आप उसमें आई भी इंक्लूड कर लीजिए, उनके साथ हम इस्तेमाल करते हैं किसका, वाज का इस्तेमाल करते हैं, और जितने भी हमारे प्लूरल होते हैं उनके साथ हम इस्तेमाल करते हैं वर का, इसका इस्तेमाल करते हैं वर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसको हम अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि जो सेंटेंस है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स को क्वालिफाई कर रहा है, तो इसके लिए हमको आइडेंटिफिकेशन में सुनना होगा। देखिए, यदि पास्ट टेंस के कोई दो क्लॉज, यदि पास्ट टेंस के कोई दो क्लॉज व्हेन या व्हाई से जुड़े हों तथा उनमें से कोई एक पास्ट इंडेफिनिट में हो तो दूसरा वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस में बनाया जाएगा। ध्यान दिया कि यदि कोई दो क्लोज आपस में व्हेन व व्हाई से जुड़े हों और उनमें से कोई भी आपको एक टेंस पास्ट इंडेफिनिट मिल जाए, पास्ट इंडेफिनिट मिलने का मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो सकती है, या फिर उसकी यदि नेगेटिव है तो डिड नॉट आ जाएगा आपका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो जो बचा हुआ दूसरा हमारा क्लॉज है वो किस में बनेगा, पास्ट कंटिन्यूअस में बनेगा। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो सेंटेंस जुड़े किससे होने चाहिए, वो सेंटेंस जुड़े होने चाहिए आपके व्हेन और व्हाई से, ठीक है। हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल से, व्हेन आई रीच्ड होम मदर वाज प्रिपेयरिंग डिनर, जब मैं घर पहुंचा तो माता जी क्या बना रही थी, डिनर बना रही थी। तो आपने ये देखा यहाँ पे एक तो जुड़ा हुआ सेंटेंस स्टार्ट किससे हो रहा है, व्हेन से स्टार्ट हो रहा है, जुड़े ही हुए हैं आगे पीछे, कहीं पर भी रिलेटिव जो प्रोनाउन होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आई रीच्ड होम, यानी कि जो सेंटेंस बना है वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, ये किस में बना हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट में बना हुआ है। तो तुरंत हमको अटैक करना चाहिए, व्हेन भी आ गया या व्हेन के स्थान पर व्हाई भी आ सकता था, और यहाँ पे एक सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट बना हुआ है तो दूसरा सेंटेंस किस में बनाना है, हमको कंटिन्यूअस टेंस में बनाना है। कौन से कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम सबसे पहले सब्जेक्ट को देखेंगे, मदर जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया, वाज आ गया। और यहाँ पे आगे क्या लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल पहले से ही किया गया है, जिसके कारण से ये सेंटेंस हमारा कैसा हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान से आपको फोकस करना है कि व्हेन और व्हाई से कोई दो सेंटेंस आपको देखने को मिल जाते हैं और एक पास्ट इंडेफिनिट में है तो दूसरा किस में बनेगा, पास्ट कंटिन्यूअस में बनेगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले टेंस, अगला एग्जांपल है, एक और दिखा क्या है, व्हेन आई वाज रिटर्निंग फ्रॉम मार्केट, व्हेन आई वाज रिटर्निंग फ्रॉम मार्केट आई सा एन ओल्ड मैन ऑन द वे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं स्टार्टिंग किससे हुई है, स्टार्टिंग हुई है हमारी व्हेन से, और एक एक सेंटेंस हमारा बना हुआ है आई सा, ये देख रहे हैं ना, सेंटेंस आगे पीछे कहीं पर भी हो सकता है। एक सेंटेंस हमारा बना हुआ है पास्ट इंडेफिनिट में, सी की सेकेंड फॉर्म सा का इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ पे देखो आई एक सब्जेक्ट है, अब आई के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, बाज आना चाहिए, और ये किसको रूल क्वालिफाई कर रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस के रूल्स को क्वालिफाई कर रहा है, जिस कारण से ये सेंटेंस एक पास्ट इंडेफिनिट में व्हेन से स्टार्ट है, और एक वाला सेंटेंस हमने दूसरा किस में बना देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में बना देंगे, जिसके कारण से ये सेंटेंस हमारा कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बात यहाँ तक क्लियर हुई। बढ़ते हैं हम लोग आगे, सिक्स नंबर का जो हमारा टेंस है, सिक्स नंबर का टेंस कौन सा है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की सबसे पहले तो आप हेल्पिंग वर्ब जान लीजिए, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी और शैल बी। अब आपको पिछले जो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट था उसमें आपको ये क्लियर करा चुके हैं कि विल का इस्तेमाल किन सब्जेक्ट के साथ होता है और शैल का इस्तेमाल किन सब्जेक्ट के साथ होता है। शैल का इस्तेमाल किया जाता है आई और बी के साथ, और बचे हुए जितने भी सब्जेक्ट आए वो सब उनके साथ क्या आएगा, विल आएगा। तो उसी प्रकार से विल बी और शैल बी का इस्तेमाल करना है। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इसमें रूल्स क्वालिफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ध्यान रखिए यदि आपको एडवर्ब ऑफ टाइम कौन से, टुमारो, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, ये सब जो फ्यूचर स्टैटिक आपके क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं, वो मिल जाए तो नॉर्मल हम फ्यूचर इंडेफिनिट लगाते थे, लेकिन इसमें साथ में क्या मिलना चाहिए, इनका प्रयोग टाइम ड्यूरेशन, जिसमें कोई इन शब्दों के साथ कोई ना कोई टाइम ड्यूरेशन भी ऐड हो जाए, जैसे कि एट दिस टाइम, ड्यूरिंग दिस टाइम, दिस डेज, नाउ अ डेज, ये भी ऐड हो जाए, ड्यूरेशन ऐड हो जाए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में ना बनके अब किस में बनेगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस में बनेगा। अब देखते हैं इसको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, दे विल बी रिटर्निंग फ्रॉम दिल्ली एट दिस टाइम टुमारो। तो सबसे पहले हमें जाना है कहाँ पर, अपने एडवर्ब पर। एक तो देखो ये लगा हुआ है हमारा एडवर्ब टाइम टुमारो, और साथ ही साथ में एक यहाँ पे दिया गया है
ड्यूरेशन ऑफ टाइम, क्या एट दिस टाइम। अब जब दोनों दिए गए हैं तो तुरंत हमारे माइंड में अटैक करना चाहिए कि ये सेंटेंस किस में बनेगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस में बनेगा। तो सबसे पहले हम इसके बाद देखेंगे किसको, हम सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट है दे, अब यानी कि आई और बी नहीं है तो शैल बी का इस्तेमाल नहीं करना है, तो हमें इस्तेमाल किसका करना है, विल बी का, और विल बी आया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी भी है, रिटर्निंग फ्रॉम दिल्ली, तो जिसके ये सारे रूल्स क्वालिफाई करने के कारण ये सेंटेंस हमारा कैसा हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। तो आई होप आपको 6 जो नंबर का टेंस था फ्यूचर कंटिन्यूअस ने आपको समझ में आ गया होगा और इसकी वर्ब का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हम लोग बढ़ते हैं अगले एक हमारा, इसको नोट बना सकते हैं आप लोग, कुछ ऑर्गन सेंस वर्ब। ऑर्गन सेंस वर्ब का मतलब ऐसी वर्ब जिनका इस्तेमाल हम महसूस करने के लिए करते हैं, जैसे कि नो यानी कि किसी को समझना या जानना, अंडरस्टैंड मतलब भी होता है समझना, फील माने होता है महसूस करना, रियलाइज माने होता भी महसूस करना, टेस्ट मतलब भी होता है स्वाद लेना, स्मेल, हियर, लुक, अपीयर, सीम, लव, हेट, होप, थिंक, डिज़ायर, कंसीडर, विश, वांट, थैंक, ऑब्जर्व, ये सारी वो वर्ब हैं, इनको ऑर्गन सेंस वर्ब के नाम से जाना जाता है। तो इनके बाद हमेशा देखना, यदि ये आपको वर्ब्स मिल जाए, चाहे हमारे फ्यूचर कोई भी कंटिन्यूस का रूल्स ही इसमें क्यों ना फॉलो हो रहा हो, तो ध्यान रखना इन ऑर्गन सेंस वर्ब, इन ऑर्गन सेंस वर्ब के बाद कभी भी आपको टेंस कंटिन्यूस में नहीं बनाना है, क्योंकि ये सेंटेंस, ये जो वर्ब आती हैं कभी भी कंटिन्यूस में नहीं आती हैं, बल्कि इनका इस्तेमाल या तो आप इंडेफिनिट में करेंगे या परफेक्ट में बनेंगे, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसको हम एग्जांपल से और क्लियर करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इसका क्या है। जैसे यहाँ पर लिखा है आई एम नोइंग यू फॉर 3 months, क्या लिखा हुआ है, आई एम नोइंग यू फॉर 3 months, मैं तुम्हें पिछले 3 महीने से जान रहा हूँ, मतलब 3 महीने से जान रहा हूँ, तो जान रहा हूँ कोई, अब अभी ये नो वर्ड आया, क्या आया है, नो वर्ड, और अभी आपको बताया ये एक क्या है, ऑर्गन सेंस वर्ब है, और ऑर्गन सेंस वर्ब कभी भी कंटिन्यूस में नहीं बनाई जाती, तो ये सेंटेंस हमारा कैसा माना जाएगा, इनकरेक्ट माना जाएगा। बात यहाँ तक क्लियर हुई। अब हम इसको एक तरीके से और ये और भी गलत हो सकता है, जैसे कि हम इसी को दूसरा लिख दें, आई हैव बीन नोइंग यू फॉर दिस मंथ, देखो मैं तुम्हें इस 3 months भी हो सकता था, यहाँ पे वो इनकरेक्ट टाइपिंग मिस्टेक हो जाएगी आपकी। अब देखो आई हैव बीन नोइंग, ये भी कंटिन्यूस में बना हुआ है, कौन से कंटिन्यूस है आपका, ये हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि कभी भी हम कंटिन्यूस टेंस में नहीं बनाते हैं, यदि आपकी क्या जाए, ऑर्गन सेंस वर्ब आ जाए, कौन सी वर्ब आ जाए, ऑर्गन सेंस वर्ब, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं नोइंग आ गया है, तो नोइंग कभी पॉसिबल ही नहीं है, तो जिसके कारण से ये सेंटेंस भी हमारा कैसा हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है, यानी ऊपर वाला सेंटेंस भी इनकरेक्ट है और नीचे वाला सेंटेंस भी इनकरेक्ट। तो अब बात यह आती है कि करेक्ट कैसे बनेगा, करेक्ट बनाने का ऐसा आपका, आई हैव नोन यू फॉर 3 months, मैंने कहा था या तो परफेक्ट में बनाना है आपको और या तो आप इंडेफिनिट बना सकते हैं, तो हमने इसको बनाया है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो आई एक क्या है, आई के साथ हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैज और हैव होती है हेल्पिंग वर्ब, तो किसका इस्तेमाल करेंगे, हैव का इस्तेमाल करेंगे, और परफेक्ट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, तो नो की थर्ड फॉर्म क्या है, नोन, तो तब ये सेंटेंस हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये नीचे वाला सेंटेंस हमारा करेक्ट है और ऊपर वाले दोनों सेंटेंस आप जो देख रहे हैं वो कैसे हमारे इनकरेक्ट है, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग आगे 7 number, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इसकी जो है आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, देखो इसकी हेल्पिंग वर्ब तो बता चुके हैं आपको क्या होती है, हैज और हैव होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, फिर भी देखो इसके अब पहचानने का तरीका ये है कि जब भी आपको ये एडवर्ब मिल जाए, कौन कौन से एडवर्ब, ऑलरेडी, जस्ट, नाउ, दो बार हो चुका है नाउ, अप टिल नाउ, एट, बिफोर, रिसेंटली, लेटली, ये जब भी आपको एडवर्ब मिल जाए तो तुरंत पहचान लेना इस सेंटेंस की किस टेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ और हैव होती है, वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, ही हैज़ ऑलरेडी रिटर्न्ड माय बुक, तो ध्यान से देखना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, और ऑलरेडी जो जब भी एडवर्ब मिल जाए तो तुरंत हमें अटैक करना है कि ये रूल है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आया है, ही, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या लगा दिया, उसके अकॉर्डिंग लगा दिया हमने हैज, और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करने के कारण ये सेंटेंस हमारा हो जाता है बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग आगे 8 number का टेंस है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। अब कैसे पहचानेंगे इस पास्ट परफेक्ट टेंस को, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, और इसमें भी वर्ब की इस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको पहचानने की जो आइडेंटिफिकेशन टेक्निक है वो क्या है, इफ़ टू क्लॉज आर कंबाइंड विथ कंजक्शन बिफोर एंड आफ्टर वन एंड वन ऑफ देम इज गिवन इन पास्ट इंडेफिनिट तो अदर क्लॉज विल बी यूज्ड इन पास्ट परफेक्ट टेंस। अब यहाँ पे मैंने डायरेक्टली इंग्लिश में ही लिख दिया, आप समझने की कोशिश करिए, जैसे कि अभी वाई वाला रूल था
और वाई और एन से जुड़ने वाला रूल था। अब उसी के जैसा एक ये रूल है, यदि कोई दो क्लॉज आपस में बिफोर और आफ्टर से जुड़े हुए हों, किससे जुड़े हुए हों, बिफोर आफ्टर से, यहाँ पे लिखा हुआ है बिफोर, यहाँ पे लिखा हुआ आफ्टर, जुड़े हुए हों और उनमें से कोई एक क्लॉज यदि आपका बना हो पास्ट इंडेफिनिट में, किस में बना हुआ हो, पास्ट इंडेफिनिट में, तो दूसरा क्लॉज ऑटोमेटिक आपको बनाना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, किस में बनाना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो ध्यान रखना बिफोर आफ्टर से दो क्लॉज जुड़े हों और एक टेंस पास्ट इंडेफिनिट में दिया गया हो तो दूसरा आपको बनाना है पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल्स के साथ। इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं, द पुलिस रीच द ब्लेज आफ्टर द रॉबर्स हैड रन अवे। तो देखो सबसे पहले हमारा माइंड अटैक किया आफ्टर पर, किस पे, बिफोर या आफ्टर को ये कहना चाहिए, ठीक आ गया। उसके बाद एक सेंटेंस हमारा बनना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट में, तो ये सेंटेंस द पुलिस जो कि सब्जेक्ट है इसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि रीच्ड का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अब हमें इस्तेमाल किसका करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का, क्योंकि अगला क्लॉज हमें बनाना है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सब्जेक्ट क्या है, द रॉबर्स है, और इसके साथ हमें हैड और वर्ब की और रन की तीनों फॉर्म क्या होती है, रन 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 ही होती है। तो ये सब रूल्स को क्वालिफाई करने के कारण ये सेंटेंस भी हमारा कैसा हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग आगे, 9 नंबर का जो हमारा टेंस है, 9 नंबर का टेंस है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल हैव और शैल हैव, और आप अच्छे से जानते हैं कि शैल हैव का इस्तेमाल आई और बी के साथ करना है और विल हैव का इस्तेमाल बचे हुए अन्य सब्जेक्ट के साथ करना है। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए इफ़ टू क्लॉज आर कम्बाइंड विथ बिफोर एंड आफ्टर एंड वन ऑफ देम इज़ यूज्ड इन प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, सेकेंड क्लॉज विल बी यूज्ड इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखो जैसे अभी पिछले वाला जब हमने जस्ट रूल पढ़ा, पिछला वाला टेंस पढ़ा, उसमें भी दो क्लॉज आपस में जुड़ रहे थे बिफोर या आफ्टर से, ठीक है। जब भी बिफोर आफ्टर से दो टेंस जुड़ेंगे और उनमें से जब एक क्लॉज आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो दूसरा क्लॉज हमें किस में बनाना पड़ेगा, दूसरा क्लॉज हमें बनाना पड़ेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, ठीक है। जो उसके जस्ट जैसे हमने अभी पास्ट परफेक्ट पढ़ा उसी के जैसा ही मिलता जुलता रूल है। हम लोग बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल में जैसे लिखा हुआ है राधा विल हैव डांस्ड बिफोर कृष्णा प्लेज द फ्लूट, तो यानी कि कृष्ण के बंसी बजाने से पहले राधा नाच चुकी होगी, तो इसका हिंदी मीनिंग तो ये निकल रहा है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमें देखना किसको है, हमें देखना है बिफोर और आफ्टर को, आपने देख लिया बिफोर आफ्टर को, फिर इनमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि एक टेंस हमारा किस में होना चाहिए, एक टेंस होना चाहिए हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और प्रेजेंट डेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस या ई एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो कृष्णा आप देख पा रहे हैं ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इसके साथ जो वर्ब का इस्तेमाल किया गया है प्ले, और प्ले के साथ आया है एस, तो एक सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बना हुआ है। तो इसका मतलब हमें बिल्कुल पता चल गया कि अगला सेंटेंस जो हमारा नेक्स्ट क्लॉज है वो किस में बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनेगा। तो यहाँ पर राधा will have danced verb की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हो चुका है, तो ये सेंटेंस हमारे सारे रूल्स स्टेप्स को क्वालिफाई करने के कारण हो जाता है हमारा करेक्ट। अब हमारे पास 9 हमारे टेंस खत्म हो चुके हैं, हमारे पास 3 टेंस और बचे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये रूल्स हम आपको इकट्ठे एक में ही बता दे रहे हैं क्योंकि सारे रूल्स मिलते जुलते हैं, बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है उसको हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। अब उस डिफरेंस को कैसे क्लियर करना है, देखिए अब आपको जैसे अभी आप यहाँ पे बिफोर और आफ्टर देख रहे थे पास्ट परफेक्ट में और फ्यूचर परफेक्ट में, तो अब आपको जब परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात करते हैं तो आपको देखना है सिंस और फॉर को, किसको देखना है, सिंस और फॉर को। जब भी आपका टाइम ऐसा दिया जाए जो बिल्कुल सही हो, यानी कि सही होने का मतलब होता है मतलब कि एक आपको परफेक्टली नॉन टाइम होता है उसको, वहाँ पे हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं और अनस्टेबल टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं फॉर का। तो देखिए जब भी सिंस या फॉर के साथ टाइम दिया गया हो हुआ सेंस कंटिन्यूस का निकल रहा हो तो प्रेजेंट में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यानी कि जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ बीन और हैव बीन होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आता है, आईएनजी आता है। और यदि हम बात करें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में तो वहाँ पे हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और बात करें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की तो वहाँ पे विल हैव बीन, शैल हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो यानी कि रूल्स हमारे बिल्कुल सेम है, बस फोकस आपको किस पे करना है, सिंस और फोर पे फोकस करना है, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं एग्जाम्पल से देखेंगे, एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है राहुल हैड बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 1998। तो यहाँ पे राहुल एक नाम का लड़का है, राहुल नाम का एक लड़का है जो इस कंपनी में 1998 से काम कर रहा है, यानी कि आपको जो पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है बिल्कुल फिक्स दिया गया है, इसीलिए यहाँ पे जो इस्तेमाल किया है फिक्स टाइम के लिए, देखो फिक्स टाइम के लिए हम हमेशा बता चुके हैं इस्तेमाल करते हैं हम सिंस का और अनफिक्स टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं हम फॉर का। तो 1998 एक परफेक्ट वैल्यू है यानी कि इस्तेमाल यहाँ पे सिंस का होगा। अब ठीक है, अब यदि सेंस हमारा किस में निकल
निकलता है, प्रेजेंट में निकलता है तो हैज़ आपका हैज़ बीन हैव बीन, पास्ट में निकलता है तो हैड बीन, और फ्यूचर में निकलता है तो विल हैव बीन शैल हैव बीन। यहाँ पे कर रहा था यानी कि पुरानी बात हो गई है, तो आपको इस्तेमाल किसका करना है, हैड बीन का इस्तेमाल करना है, और वर्ब की फर्स्ट पर्सन आई एन जी यहाँ पे आ चुका है। सारे रूल्स को क्वालिफाई करने के कारण ये सेंटेंस भी हमारा कैसा हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। तो आई होप आपने 12 टेंस पढ़े, टेंस साथ साथ में हमारे टेंस भी खत्म हो गए, उनसे बनने वाले एरर्स को भी आपने शॉर्ट में समझ लिया। अब इसके साथ हमारे टेंस खत्म हो गए, टेंस के साथ वर्ब खत्म हो गए। अब एक बार हम जस्ट रिवाइज करने जा रहे हैं कंजक्शन को, किसको रिवाइज करने जा रहे हैं, कंजक्शन को। अब कंजक्शन में आपको डायरेक्टली क्या करना है, मैं कुछ फ्रेज बोल रहा हूँ, इन फ्रेज को रिवाइज करना है, क्योंकि ये फ्रेज आपको डायरेक्ट एग्जाम में एरर्स दिखेंगी तो डायरेक्ट अटैक करेंगी, तो आपको इतना टाइम तो है नहीं कि हम डिस्क्रिप्ट करके पढ़ सकें, लेकिन फिर भी रिवीजन के लिए हम आराम से उनको फ्रेज को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। और डेफिनेटली यदि ये फ्रेज आती है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। देखिए कौन कौन सी फ्रेज है, जैसे कि पहली फ्रेज है हमारी आइदर और, यानी कि यदि किसी सब्जेक्ट के पहले आइदर दिखता है तो उस सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो अगला सब्जेक्ट जुड़ा होगा वो और के साथ जुड़ा होगा, यानी आइदर के साथ जो फ्रेज आएगी आइदर के साथ क्या आएगा, और आएगा, ठीक है। दूसरा कंजक्शन लिखा है नाइदर के साथ क्या आएगा, नॉर आएगा। कंजक्शन का मतलब ही होता है दो सेंटेंस को जोड़ने वाले वर्ब, ठीक है। तो आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो, और बोथ के साथ एंड, नथिंग के साथ बट, हार्डली के साथ वैन, स्कार्सली के साथ भी क्या आता है, वैन आता है, और अबाउट टू के साथ भी क्या आता है, वैन आता है, और नो सूनर के साथ क्या आता है, देन आता है, और एज के बाद एजज आता है, और एक होता है सो के बाद भी क्या आता है, एज आता है। तो ध्यान रखिए एजज का इस्तेमाल हमेशा हम करते हैं पॉजिटिव सेंस में, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो हम एजज का इस्तेमाल करेंगे, और यदि सेंटेंस हमारा नेगेटिव होगा तो हम इस्तेमाल करेंगे सो एज का। इसी प्रकार से कुछ और भी होते हैं हमारे, जैसे कि लिखा है थो के साथ क्या आता है, एट आता है, और आल्दो के साथ क्या आता है, एट भी आता है, एज सून के साथ भी क्या आता है, एज आता है, और रिगार्ड्स के साथ भी क्या आता है, एज आता है, सेम के साथ भी क्या आता है, एज आता है, और सेम के साथ हम दैट का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है दैट का, ये आपको ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। अब और सच का इस्तेमाल, सच के साथ भी क्या आता है, एज आता है, वेदर के साथ भी क्या आता है, और आता है। तो ध्यान रखिए यहाँ पे जो आप कन्फ्यूजन हो रहे होंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है सेम, सेम के साथ हमेशा इस्तेमाल करना, दैट का इस्तेमाल आप ज़्यादा कीजिए, क्योंकि एज हमारा कभी, क्योंकि रेयर कंडीशंस में आता है, वो कंडीशन अभी आपने पढ़ी तो होंगे नहीं, तो जब भी आपको सेम मिलेगा इस एग्जाम में दैट से एरर बनेगी आपकी। और सच के साथ इस्तेमाल किसका होना है, सच के साथ एज, सेम के साथ दैट, सच के साथ एज, सेम के साथ दैट, ये दो फ्रेज आप बार बार बोल के लर्न भी कर सकते हैं, सेम दैट सच एज, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा अगला एग्जाम्पल यहाँ पे, इस जो हमने फ्रेज अभी हमने पढ़ी, इन फ्रेज को हम कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे लिखा है आइदर मोहन और हिज फ्रेंड कैम हेयर यस्टरडे, अभी मैंने बताया आइदर जब भी आपको देखने को मिल जाए, क्या मिल जाए, आइदर, तो आइदर के साथ हम इसे हमेशा इस्तेमाल करते हैं किसका, और का। तो आइदर के बाद सब्जेक्ट आया मोहन, और के बाद सब्जेक्ट क्या आया, हिज फ्रेंड, तो आइदर मोहन और हिज फ्रेंड दोनों फ्रेज हमारी मैच कर रही हैं, तो सेंटेंस हमारा कैसा हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल यदि हम देखें, जैसे लिखा है हरी स्टडीड नाइदर इंग्लिश नॉर रीजनिंग यस्टरडे, हरी ने ना ही कल अंग्रेजी पढ़ी ना ही रीजनिंग पढ़ी, तो नाइदर आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, नाइदर, और नाइदर के बाद भी कोई यहाँ पे इंग्लिश आया है, और नॉर के बाद भी क्या, यानी दोनों कंपेरिजन होना चाहिए, वो सेम थिंग्स का होना चाहिए, तो नाइदर इंग्लिश नॉर रीजनिंग, दोनों सब्जेक्ट हैं अपने आप में, तो नाइदर के साथ नॉर फ्रेज, और यहाँ पे आइदर के साथ कौन सी फ्रेज आई हुई थी, और आई हुई थी, ठीक है। तो ये सेंटेंस भी हमारा कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ये भी सेंटेंस हमारा कैसा था, करेक्ट था। अब हम देखते हैं तीसरे नंबर के एग्जांपल को, जैसे लिखा हुआ है बोथ रवि एंड ध्रुवा वर अब्सेंट यस्टरडे, यानी कि रवि और ध्रुव दोनों लोग क्या थे, अब्सेंट थे। तो मैंने अभी आपको बताया कि बोथ के साथ हमें इस्तेमाल करना है किसका, एंड का, किसका इस्तेमाल करना है, एंड का। तो बोथ के बाद सब्जेक्ट आया रवि, और एंड के बाद भी सब्जेक्ट क्या आया, ध्रुवा आया, तो कंपैरिजन तो सेम पर्सन के साथ हो रहा है, और बोथ के साथ एंड भी आ रहा है, जिसके कारण से ये सेंटेंस भी हमारा कैसा हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। तो तीनों सेंटेंस आपके करेक्ट हैं, क्यों करेक्ट हैं, क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया है आपका कंजक्शन का मैचिंग, आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड, ये सब मैच कर रहे हैं परफेक्टली, जिसके कारण से हमारे ये सेंटेंस तीनों क्या हैं, करेक्ट हैं। तो अब आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर एग्ज़ाम देने जा सकते हैं, क्योंकि हमने लगभग अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया, मतलब इसमें हमें जैसे कि कुछ हमारे एक्टिव पैसिव के बेसिक रूल्स बचे हुए हैं, तो उन रूल्स को आप नॉर्मल तरीके से उनके रूल्स देख सकते हैं, लेकिन जो ये हमारी आज की इस मिशन सीटेट 2019 सीरीज की लास्ट क्लास थी, और आज हमने बिल्कुल बहुत ही फास्ट ट्रैक तरीके से इन चीज़ों को रिवाइज़ किया है, और आई होप आपको ये वीडियो आपके कल के एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण काम आएगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, और कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यह आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि दिस चैनल इज़ अ मल्टी चैनल, तो यहां पर केवल आपको पढ़ाई के बारे में ही नहीं, बहुत सारी एक्टिविटीज के बारे में आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, और सीखते ही चलेंगे हम लोग सब मिलकर साथ में चलेंगे। तो दोस्तों
चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, और यदि कोई भी आपको प्रॉब्लम पूछनी हो तो कमेंट करना। और इस सारा लेक्चर है, इस सारे लेक्चर का जो PDF है वो कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको प्रिंट भी करा सकते हैं, आपके फ्यूचर एग्जाम्स में काम आएगी। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।